नमस्कार आप देख रहे हैं लाइव बिहार मैं हूं आपके साथ राजमोहन तिवारी बिहार विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है पहले फेज का नामांकन शुरू हो चुका है आखिरी तारीख 8 अक्टूबर है लेकिन उससे पहले बिहार में किसी भी गठबंधन में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो अभी तक तय नहीं हुआ है लेकिन खबर दिल्ली से है खबर एन से है वहाँ पर चिराग पासवान और अमित शाह के बीच में अब कुछ देर में बैठक शुरू होने वाली है खबर यह है कि इस बैठक में यह तय हो जाएगा कि एलजेपी एनडीए में रहेगी या नहीं रहेगी रहेगी तो कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी अमित शाह इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में अभी तक दिखाई नहीं दे रहे थे लेकिन अब सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर उन्होंने बैठक शुरू की है क्योंकि जिस तरह से एलजेपी ने अपना रुख इस बार अख्तियार किया है वो लग रहा है कि एन में टूट ही ला देगा और इसी वजह से शायद अब अमित शाह भी इसमें शामिल हो चुके हैं ताकि एन एकजुट रहे खबर यह भी है कि चिराग पासवान ने तीन अक्टूबर की शाम पाँच बजे अपने पार्टी की जो संसदीय बैठक है संसदीय दल की उसे बुला लिया है और उस बैठक के बाद वो इस फैसले पर पहुंच जाएंगे कि एलजेपी एन में रहेगी या नहीं रहेगी और यह फैसला सुना देंगे बिहार की जनता को कि इस बार वो अकेले चुनाव लड़ेंगे अगर लड़ेंगे तो 143 सीटों पर लड़ेंगे या फिर उससे ज़्यादा सीटों पर या फिर महागठबंधन में भी जाएंगे ये देखने वाली बड़ी बात है लेकिन अभी फ़िलहाल इस पर बैठक दिल्ली में शुरू होने वाली है बीजेपी के मंत्री हैं भारत के अमित शाह और एल के सुप्रीमो चिराग पासवान के बीच में अब बात करते हैं महागठबंधन की जिस तरह से महागठबंधन से खबर आ रही है कि इनके बीच में सीट शेयरिंग को लेकर अभी बैठक जारी है लेकिन मनोज झा ने एक बयान दिया है राज्यसभा के सांसद हैं राजद नेता हैं मनोज झा उन्होंने कहा है कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है महागठबंधन में वो तय कर लिया गया है यानी कांग्रेस और राजद इस पर सहमत हो चुके हैं कि कौन कितने सीट पर लड़ेगा कल की खबर अगर बताएं गुरुवार की रात की जिस तरह से खबरें आई थी कि कांग्रेस के चुनाव प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने सीधे सीधे तेजस्वी यादव पर कटाक्ष कर दिया था और कहा था कि तेजस्वी यादव किसी और के बहकावे में आ गए हैं और उस आधार पर बयानबाजी कर रहे हैं उस आधार पर उन्होंने रुख अख्तियार कर लिया है अगर लालू यादव होते तो महागठबंधन में अब तक फैसला हो गया होता लेकिन तेजस्वी यादव को कोई और बहला रहा है और उसी के कहने पर वो अभी तक जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है उसे तय नहीं कर पा रहे हैं लेकिन अभी जो खबर है कि महागठबंधन में कांग्रेस और राजद के बीच में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय हो चुका है और बहुत जल्द इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी अब एक और ख़बर है माझी जीतन राम माझी को लेकर जीतन राम माझी ने भी 4 अक्टूबर को अपने संसदीय दल की बैठक बुला ली है और इस बैठक में यह डिसाइड हो जाएगा कि कौन किस सीट से लड़ेगा जैसे कि खबर है कि जदयू से जीतन राम मांझी को सीट मिलने वाली है खबर है कि आठ सीट या उससे एक दो सीट आगे पीछे हो सकता है इसी के आसपास मिलेगा और इन आठ सीटों पर कौन उम्मीदवार होगा यही डिसाइड होना है उस संसदीय दल की बैठक में चार अक्टूबर को जीतन राम माझी की पार्टी की भी फैसला बिहार की जनता को सुनने को मिल जाएगा अब देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है महागठबंधन और एनडीए में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है और कौन कितने सीटों पर लड़ता है यह देखना बड़ी बात होगी अभी तक के खबर में इतना ही खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही बेलाइकन की घंटी जरूर दबाएं धन्यवाद